हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके। स्पेशली ये वीडियो होने वाला है बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा डिमांड था। मेरे यूट्यूब चैनल में रिसेंटली जो वीडियो डाला था उस पर भी बहुत सारे कमेंट मिले मुझे कि भाई हॉस्टल दिखा दो, हॉस्टल दिखा दो। और मैं फैसिलिटीज़ के बारे में भी ये वीडियो में इंक्लूड करूँ, और मोर ओवर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ कैंपस के बारे में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से भी बहुत सारे हमारे कलीग आ रहे हैं आफ्टर सेकेंड राउंड। सो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइबर जो भी होता है वो सब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो यहाँ से शुरू होते ही मैं आप लोगों को ले जाऊँगा बाहर। बाहर है हॉस्टल का कॉरिडोर, ये हम लोगों का कॉरिडोर जो चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। अभी मेरे कोई भी दोस्त हॉस्टल में मौजूद नहीं है। कॉरिडोर में आज बहुत ही सन्नाटा है, क्योंकि आज संडे था और मेरे सारे दोस्त जो थे वो बॉन्सेट लाने पास ही के एक मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, वो आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे बॉन्सेट नहीं मिलता, क्योंकि वो सीनियर्स से कलेक्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर हमारे जो कलीग्स थे वो जा चुके हैं असम मेडिकल कॉलेज। असम मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज, असम का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से बॉन्सेट लाएंगे फिर हम लोग। तो अभी कुछ ही मेरे दोस्त जो हैं अभी हॉस्टल में प्रेजेंट हैं, बाकी सब जा चुके हैं डिब्रूगढ़। तो हॉस्टल के बीचों बीच नीचे यहाँ पर है हम लोगों का छोटा सा प्लेग्राउंड, जहाँ पे ज़्यादातर वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेला जाता है। क्रिकेट फील्ड उधर है। अभी धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं नीचे, सभी मैं कॉलिग से भी मिलाता हूँ और पूरा हॉस्टल का टूर भी दिखाता हूँ। वो आ गया बॉन्सेट लेके। अभी ये लोग पहुँच गए हैं और ये लोग लाए हैं बॉन्सेट। कितना किलो का है बॉन्सेट? 5 किलो ना है। RDX 2-3। नीचे जो दिख रहा है ये हम लोगों का बॉयज हॉस्टल का मेस है, और जो आगे दिख रहा है वो स्ट्रेट वो है हम लोगों का डॉक्टर्स हॉस्टल। शिफ्ट के टाइम में हम लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। वॉशरूम मैं जा रहा हूँ बॉयज हॉस्टल के मेस की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोगों को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि अभी बाकी का जो फ्लोर है अभी भी काम चल रहा है। तो जब काम खत्म होगा तो शायद थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हम लोगों को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को अटेंडेंस के लिए हमेशा साइन करना होता है। विशाल 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 आई ऐसे आई भाई बो तो अटेंडेंस आज का हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए बॉयज हॉस्टल का मेस में। मेस हाँ, तो अभी तक यहाँ पे किचन का सेटअप नहीं हुआ है। अभी तो जो खाना होता है वो सेंट्रल किचन से आता है। वो चाय के अलावा क्या है? कचौड़ी है, कचौड़ी। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है खाने के लिए। ये हम लोगों का बॉयज हॉस्टल का मेस। इधर हम लोगों का ये हो गया हॉस्टल जहाँ से मैं अभी शूट कर रहा था। वो हो गया हम लोगों का एकेडमिक ब्लॉक, सामने गर्ल्स हॉस्टल, और उधर है डॉक्टर्स हॉस्टल। हमारा हॉस्टल का रूल्स एंड रेगुलेशन, 7 बजे से पहले यहाँ पे आके पहुँचना होता है शाम को। बाहर ऐसे घूम सकते हैं, अलाउ नहीं है कि आप कहीं भी चले जाओ और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सामने हमारा एकेडमिक ब्लॉक। तो अभी हमारे हॉस्टल में ज़्यादातर डबल रूम और ट्रिपल रूम ही है, सिंगल रूम किसी को अलॉट नहीं होता है। अभी डबल रूम में भी
कुछ रूम्स अभी भी खाली पड़े हैं और ट्रिपल रूम में भी कुछ रूम अभी खाली पड़े हैं। शायद ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद सारे रूम अलॉट हो जाएंगे। तो इवनिंग ब्रेकफास्ट के कुछ घंटों बाद हम लोगों का डिनर टाइम शुरू हो जाता है। सो फाइनली हम लोगों का डिनर हो गया और डिनर में मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ सेवन डेज ही नॉन वेज रहता है, और जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए वेज का ऑप्शन भी होता है। जो लंच का सिस्टम होता है, लंच में हम लोगों को ज़्यादातर वेज खाना ही मिलता है, और सुबह ब्रेकफास्ट। कॉमन रूम पे लगा हुआ है टीवी भी अवेलेबल है। तो सब हॉस्टल के बारे में दिखाने के बाद अब मैं अपने हॉस्टल के दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। दुल्हन पे भाई साहब, आप बता, आपको हॉस्टल में कैसा लग रहा है? हॉस्टल में तो अच्छा लग रहा है, न्यू मेडिकल कॉलेज है, हॉस्टल में साफ है, न्यू है ना, होता ही है, इतना भी बुरा नहीं है। अभी मिलते हैं सोबित, ये पड़ा है स्केपुला, और पीछे ब्राजील दोले। कौन सा साइट? अरे ये साइट ढूंढने में लगाया इसके पुला का। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ रहे हो? बायोकेमिस्ट्री, विटामिन। पढ़ो मस्त है। ए आम मिलीदा की बात कोई दियो वीडियो नो कोई बहुत हाल एकदम पूरा मिलीदा तो मुस्लिम क्या देखा हुआ है तेली राती पूरा उसे बोलो क्या हुआ हाय ना पाव राती पूरा मिलीदा लोग आइडिया मौजूद हैं विशाल जाल। अब ये बताएंगे हॉस्टल का एक्सपीरियंस, तो आपको कैसा लग रहा है हॉस्टल में? एकदम सही चल रहा है यार, अभी तक पढ़ रहे हैं। जस्ट वाओ, जस्ट ऑसम है, अभी तक चल रहा है जिंदगी। मैं आकाश और विशाल के रूम पे। अरे भाई सब लोग पढ़ रहे हो क्या? कॉम्युनिटी पूरा कर रहे हैं, हालत खराब हो रखी है भाई। क्या पढ़ रहा तुम? मतलब खुद को पता चला बस पढ़ रहे हैं। हालत क्या हुआ? चलो तो पढ़ो, चलता हूँ मैं। यहाँ चल रहा था ग्रुप स्टडी, चलता हूँ अपने रूम पे और करना है अभी एनाटॉमी की पढ़ाई। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कंटेंट शूट नहीं किया अभी तक, और कोई अच्छा कंटेंट मिले तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा और यहाँ पे शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी मेरा जो शेड्यूल है अभी बहुत ही हेक्टिक है, और मेरे कोई भी वीडियो शूट करने की मूवमेंट में नहीं हूँ, और हाल में तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। तो अभी कुछ वीडियो आने में थोड़ा देर हो सकता है, इवन मंथ्स लग सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो अभी आने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 8 बजे से 4 बजे तक क्लास है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।